मसूरी में आने वाले पर्यटकों को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन होने के चलते मसूरी शहर में भारी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, होटल फुल चल रहे हैं। कई बार पर्यटकों को अपनी गाड़ियों में ही सोना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा समस्या पर्यटकों के वाहनों की पार्किंग की आ रही है। इन्हीं समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठकर उचित समाधान के लिए निर्देशित किया गया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा क्रिकेंग और टाउन हॉल में बनी हुई पार्किंग के संचालन के लिए अब तक किसी संस्था को आवंटित नहीं किया गया, तब तक दोनों पार्किंग को पर्यटकों के लिए निःशुल्क खोल दिया जाए। देखिए, मसूरी में टूरिस्ट भारी संख्या में आ रहा है, होटल्स फुल हैं और यहां तक देखा गया कि लोग गाड़ियों में सो रहे हैं। और कुछ प्रशासनिक व पुलिस की लापरवाही के कारण पुलिस को दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने आज एसपी ट्रैफिक, डीएम देहरादून, एसडीएम मसूरी, यूओ मसूरी, उन सभी अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया था और विस्तार से ट्रैफिक के सुधार कैसे, इसके बारे में चर्चा हुई। मैंने निश्चित किया है कि जो दो पार्किंग, एक कंक्रीट पार्किंग और एक टाउन हॉल की पार्किंग, जब तक संस्था को हैंडओवर नहीं होती उसको फ्री, जनता के लिए फ्री खोल दिया जाए।